नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कमजोर चंद्रमा के लक्षण और उनके सटीक उपाय, कैसे आप बिना जन्मपत्री के केवल जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर जान सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा के प्रभाव शुभ हैं या अशुभ हैं। दोस्तों, शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जाते, चंद्रमा मन के प्रतिनिधि माने जाते हैं और चंद्रमा के कमज़ोर होने पर व्यक्ति की डिसीजन पावर बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है। व्यक्ति अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता, व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं रहती। जीवन में बहुत सारी संपत्ति होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है, स्थिर नहीं रहता। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे की कांति समय से पहले डाउन हो जाए, खान पान अच्छा होने पर, व्यवस्थाएं अच्छी होने पर भी किसी व्यक्ति के चेहरे में खूबसूरती ना हो, तो समझ लेना चाहिए इस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है। आज मैं आपको कमज़ोर चंद्रमा के सटीक लक्षण और उसके बहुत बेहतर उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा चेहरे की खूबसूरती है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दवाइयाँ अपना पूरा काम नहीं करती, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर हो जाती है। एक बीमारी में बार बार दवाइयाँ खाने पर भी पूरी तरह आराम ना लगता हो तो आपको चंद्रमा के उपाय करने की ज़रूरत है। जीवन में धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी लगातार मानसिक अशांति बनी रहती है और आपके जीवन में महीने में दो या तीन दिन ऐसे आते हैं जब आप बुरी तरह से परेशान होते हो, तो भी आपको चंद्रमा के उपाय करने की आवश्यकता है। चेहरे पर खूबसूरती और मलिनता ना होने पर, चेहरे की चमक समय से पहले कमज़ोर पड़ने पर भी व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। आँखों में लगातार बीमारी आने पर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और यदि आपकी माता का स्वास्थ्य लगातार ऊपर नीचे होता रहता है और माता को मानसिक कष्ट होता है, तो भी व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय ज़रूर करने चाहिए। शारीरिक सुख ना होने पर, शरीर में लगातार पीड़ा और बीमारी लंबे समय तक टिकने पर भी व्यक्ति को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। दोस्तों, यह थे चंद्रमा के कुछ लक्षण, लेकिन आप जन्मपत्री से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है या मजबूत है। जन्म कुंडली में चंद्रमा के पाप कर्तरी योग में होने पर, अति बाल्य या अतिवृद्ध अवस्था में होने पर, पाप दृष्ट होने पर व्यक्ति को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है जो मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं चंद्रमा के कुछ सटीक उपायों के बारे में। दोस्तों, यदि लक्षणों के आधार पर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, तो आपको सोमवार के दिन चंद्रमा का सिद्ध मंत्र जपना चाहिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार के दिन जरूरतमंद को चावल, चीनी और सफ़ेद कपड़े का दान करें तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे चंद्रमा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चंद्रमा जल के प्रतिनिधि होते हैं। गर्मियों में प्याऊ लगा करके मीठे जल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा से संबंधित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित होने पर, या जो लक्षण मैंने आपको बताए, वह जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकट होने पर व्यक्ति को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके खीर से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से हवन करना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति करने पर भी चंद्रमा से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। चंद्रमा के मार्केश होने पर, चंद्रमा की महादशा में धन का नुकसान होने पर, दोस्तों व्यक्ति को ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। घर में दूषित पानी बिल्कुल भी जमा मत करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के जो फल हैं विपरीत हो जाते हैं। देर रात तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर चंद्रमा खराब है और व्यक्ति देर रात तक सोता है, तो बहुत ज़्यादा गलत परिणामों का सामना आपको
करना पड़ सकता है। दोस्तों, चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमायन में। सोमवार के दिन नियमित रूप से 108 बार इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ माता को प्रणाम करने से, माता को प्रसन्न करने से, माता को उपहार देने से और अपने व्यवहार से, जैसे भी बन पड़े, अपनी माता की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी चंद्रमा संबंधित दोष नहीं लगता। तो दोस्तों, यह थे कमजोर चंद्रमा के लक्षण और कुछ बेहद सटीक उपाय। मोती रत्न धारण करके, ये दो स्थितियों में मोती पहना जाता है, या तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बेहद अति बाल्यावस्था में हो, 3 डिग्री से नीचे हो या 26 डिग्री के ऊपर हो, अति बाल्य या अति वृद्ध अवस्था में होने पर आप मोती रत्न अच्छे ज्योतिषी की सलाह से धारण कर सकते हैं। तो यह थे चंद्रमा के कुछ सटीक उपाय और कमजोर चंद्रमा के लक्षण। मैं कामना करता हूँ जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।